गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग कबीर का दूसरा पद पढ़ेंगे। इस पद में कबीर ने संसार की अज्ञानता पर वार किया है और उन्होंने बताया कि किस प्रकार मनुष्य अपने अंदर स्थित परमात्मा को नहीं पहचान कर सांसारिक मोह माया में लिप्त रहता है, सांसारिक मोह माया के पीछे दौड़ता रहता है। संतो देखत जग बौराना, साच कहो तो मारन धावे, झूठे जगपतियाना, नेमी देखा धर्मी देखा, प्रात करे अस्नाना, आत्म मार पखा नहीं पूजे, उनमें कछु नहीं ज्ञाना, बहुतक देखा पीर औलिया, पढ़े किताब कुराना, कै मुरीद तदवीर बतावे, उनमें उहे जो ज्ञाना। जग जग माने होता है संसार, संतो सज्जनों को कहा गया है, बौराना माने भ्रमित हो जाना, पागल हो जाना, अपने मार्ग से भटक जाना, साच माने सत्य, धावे माने दौड़ना, पतियाना माने विश्वास करना, नेमी माने नियमों का पालन करने वाला, धर्मी माने धर्म का पाखंड करने वाला या धर्म का पालन करने वाला, अस्ताना माने नहाना, स्नान करना, आत्म माने स्वयं को, पखाने माने पत्थर, बहुतक माने बहुत से, पीर औलिया धर्म गुरुओं को कहा गया है, कुराना इस्लाम धर्म का एक पवित्र ग्रंथ, मुरीद माने शिष्य, तदबीर माने उपाय। कबीरदास जी संसार को संबोधित करते हुए कहते हैं कि संसार वासियों, यह संसार पागल हो गया है, भ्रमित हो गया है, अपने मार्ग से भटक गया है, ईश्वर की वास्तविकता से दूर हो गया है। साच कहो तो मारन धावे, झूठे जगपतियाना, यदि इन्हें सत्य बताया जाता है, वास्तविकता बताई जाती है, ईश्वर का ज्ञान कराया जाता है, तो यह उसे मारने के लिए दौड़ते हैं, और जब इन्हें झूठा ज्ञान दिया जाता है, अवास्तविकता इन्हें बताई जाती है, तो वे भी इस पर विश्वास करते हैं, उसी के पीछे भागते रहते हैं। नेमी देखा धर्मी देखा, प्रात करे अस्नाना। कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने इस संसार में नियमों का पालन करने वाला, धर्मों का पाखंड करने वाला, प्रातःकाल स्नान करके, नहा करके, आसन लगाकर पूजा पाठ करने वालों को भी देख लिया है, आत्म मारी पखाने पूजे, उनमें कछु नहीं ज्ञाना, वे स्वयं को मार करके पत्थर को पूजते हैं, मूर्ति को पूजने के लिए भटकते रहते हैं, और उन्हें यह भ्रम हो जाता है कि उन्होंने सारे ज्ञान प्राप्त कर लिए, संसार में वो ज्ञानी हो गए हैं, किंतु वास्तविकता यह रहती है कि उन्हें किसी प्रकार का कोई भी ज्ञान प्राप्त नहीं होता है, वे ईश्वर के ज्ञान से, ईश्वर के सत्य से दूर रहते हैं। बहुतक देखा पीर औलिया, पढ़े किताब पुराना, मैंने बहुत से धर्मगुरु और संत देखे, उन्होंने कुरान जैसी धार्मिक किताबें पढ़ ली हैं, और उसी किताब को पढ़ करके वे अपने शिष्यों को भी झूठा ज्ञान देते रहते हैं, किंतु उन्हें ना किसी प्रकार का अनुभव है, ना किसी प्रकार का ज्ञान है, और वे शिष्य और गुरु दोनों ही ज्ञान के अभाव में भटकते रहते हैं, उन्हें केवल कोई ज्ञान प्राप्त नहीं होता, वे केवल पुस्तकीय ज्ञान को ही सच मान लेते हैं और उसी को सच मानकर उसके पीछे दौड़ने लगते हैं, जबकि सच्चा ज्ञान तो ईश्वर को जान लेना है, जो मनुष्य अपने अंदर विराजमान, अपने अंदर स्थित ईश्वर को पहचान लेता है, वही सच्चा ज्ञानी होता है। एक बार फिर से देख लीजिए। संतो देखत जग बौराना, साच कहो तो मारन धावे, झूठे जगपतियाना। कबीरदास जी संसार को संबोधित करते हुए कहते हैं कि इस संसार के लोगों की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, लोग भ्रमित हो गए हैं, अपने मार्ग से भटक गए हैं। साच कहो तो मारन धावे, संसार के लोगों को यदि सत्य कहा जाए, वास्तविकता का ज्ञान कराया जाए,
तो वह उसे मारने दौड़ते हैं, उस पर क्रोधित होते हैं। और यदि उनसे झूठ बोला जाए, उन्हें अज्ञानता की बातें बताई जाए, अवास्तविकता का ज्ञान कराया जाए, तो उस पर विश्वास करते हैं, उस पर प्रसन्न होते हैं। नेमी देखा धर्मी देखा प्रात करे अस्नाना। संसार में मैंने नियमों का पालन करने वालों को, धर्म का पाखंडियों को सुबह स्नान करके, सुबह नहा करके, आसन बिछाकर पूजा करने वालों को सभी को देख लिया है। आत्म मार पखाने पूजे उनमें कछु नहीं ज्ञाना। वे सभी लोग स्वयं को नहीं जानते, स्वयं को मार करके पत्थर की पूजा करते हैं, मूर्ति की पूजा करने के लिए इधर उधर दौड़ते रहते हैं, भटकते रहते हैं। और उन्हें यह गर्व हो जाता है, अभिमान हो जाता है कि उन्होंने सारे ज्ञान प्राप्त कर लिए, किंतु वास्तविकता यह है उन्हें किसी प्रकार का कोई भी ज्ञान प्राप्त नहीं होता, वे अज्ञानी ही बने रहते हैं। बहुतक देखा पीर औलिया पढ़े किताब कुराना। कई मुरीद तदबीर बतावे उनमें वह जो ज्ञाना। कबीरदास जी कहते कि मैंने बहुत सारे धर्मगुरुओं को देखा, बहुत सारे संतों को देखा, उन्होंने धार्मिक किताबें पढ़ ली, कुरान जैसे पवित्र ग्रंथ पढ़ लिए, और वही ग्रंथ के आधार पर उन्हीं बातों को अपने शिष्यों को बताते रहते हैं, किंतु उन्हें ना कोई अनुभव है ना कोई ज्ञान है। और ज्ञान के अभाव में गुरु और शिष्य दोनों ही भटकते रहते हैं, भ्रमित रहते हैं, क्योंकि केवल कोई पवित्र ग्रंथ पढ़ लेने से, कोई किताब पढ़ लेने से कोई ज्ञानी नहीं हो जाता। जिस व्यक्ति को, जिस मनुष्य को अपने अंदर स्थित परमात्मा का ज्ञान हो जाता है, ईश्वर का ज्ञान हो जाता है, सच्चे अर्थों में वही ज्ञानी कहलाता है।